चाय ले लो, पकौड़ ले लो। नमस्कार, मौजूद स्पार्ट के साथ मैं हूँ अवधेश वर्मा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए। मैं तो खैर बचपन से चाय और पकौड़ा बेचता आ रहा हूँ, हमारे देश के युवाओं का कुछ पता नहीं। मित्रों, हमारे देश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनके आजकल तीन चरण हो गए हैं। पहला चरण जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम सेंटर में देने जाते हैं, इसके बाद में फिर वो भर्ती हाई कोर्ट जाती है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाती है, इसके बाद भी निर्णय आएगा इसकी कोई संभावना नहीं रहती है। यदि हम बात करें IBPS की, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न बैंकिंग से संबंधित एवं उससे अन्य जो बैंकिंग से हट करके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, इसमें लगातार जो सीटें हैं वो घटती जा रही हैं। एक आंकड़े पर नज़र डालें तो 2012 में जो 22,000 सीटें थी वो 2020 में आकर के 1417 में रह गई हैं। SSC CGL की बात करें तो 2017 में जो परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक युवाओं की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। SSC CGL 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 2020 का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे में 2 वर्षों से कोई परीक्षा नहीं हुई है। 5 वर्षों से जो परीक्षाएं रेलवे में हो रही वो पूरी तरीके से हो नहीं पाई हैं। अभी उन परीक्षाओं में किसी भी युवाओं की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और इसके अलावा रेलवे में पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें 13 अरब रुपए फीस के रूप में सरकार ने वसूले थे, जिसमें सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि 400 रुपये जो है छात्रों को वापस कर दिए जाएंगे। मेरे अकाउंट में, खाते में तो नहीं आया है, बाकी लोगों का मैं नहीं बता सकता। बेरोजगारों की जो शिक्षा है, यदि शिक्षा की बात की प्रतिशत में किया जाए तो जो मैट्रिक है 10 से 12 तक जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका प्रतिशत जो है वो 14.5% है। इसके अलावा जो तकनीकी डिप्लोमा होल्डर हैं एवं सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनका जो प्रतिशत है वो 16.9% है। जो टेक्निकल ग्रेजुएट है, जो BTEC जिन्होंने कर रखा है, BCA जिन्होंने कर रखा है, उनका जो प्रतिशत है वो 15.7% है। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल हैं, जिसमें BA और इनसे संबंधित जो कोर्स आते हैं, आर्ट्स और साइंस से संबंधित जो कोर्स आते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो 14.4% है। इसके अलावा यदि हम पुरुषों की बात करें तो ये 5.82 करोड़ है। पुरुषों के हालात ये हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन कब ले जाएंगे ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। महिलाएं जो हैं वो 5.79 करोड़ है। महिलाओं के लिए भी एक पंक्तियाँ हैं कि साजन चले ससुराल और मेहंदी लगा के रखना जैसी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस तरीके के निर्देश या गाइडलाइन जारी नहीं हुए हैं कि इनके सपने पूरे हो पाएंगे। यदि आयु की बात की जाए तो जो 18% जो युवा है वो 15 से 19 वर्ष के हैं, जो अमूमन इस उम्र में अनेकों प्रकार के ख्वाब देखते हैं, अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने जो है समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा 20 से 24 वर्ष की जो आयु है उसका जो प्रतिशत है वो 22.7% है। इसके अलावा जो 25 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं, युवा हैं, उनका प्रतिशत 17.4% है। इसके अलावा यदि 30 से 34 वर्ष के युवाओं की बात की जाए तो वो 13.6% है। ये जो आंकड़े हैं ये जनसंख्या घनत्व एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है। आजकल युवाओं ने एक बेरोजगारी को लेकर के सोशल मीडिया पे आंदोलन चलाया हुआ है। युवाओं का कहना है कि बहुत हुई मन की बात, अब करो SSC और CGL की बात, चटपटी पकौड़ी और चटपटी चाय। चटपटी चाय इस प्रकार से कि उसमें नींबू मिर्च डाल करके यदि चला दिया जाए तो वो चटपटी चाय हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 करोड़ युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको जो रोजगार की आवश्यकता है। इनमें से जो आधे हैं, लगभग 6 करोड़ कह लिया जाए, तो जिनके पास आंशिक रूप से रोजगार है जो 6 महीने से भी कम समय का मिलता है। ग्राफ के अनुसार हमारे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। CMI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 16 से 3 मई 2020 तक जो हमारा ग्रोथ था वो 27.1% था, जो अब घट करके 2020 में 3.1% जो दर है वो रह गया है रोजगार रेट जो है कह लिया जाए तो। SSC CGL 2018 में 4 मई 2018 को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी जो परीक्षा तिथि थी वो 29 दिसंबर 2019 थी। लेकिन ज्वाइनिंग के नाम पे मुस्कुराने की वजह सिर्फ ज्वाइनिंग के नाम पे हम मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर सरकार को कोस सकते हैं।
850 दिन बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। यदि रेलवे की बात की जाए तो 1 मार्च 2019 को 2.8 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 550 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। यदि रेलवे को लिया जाए तो शाहरुख खान का एक गाना याद आ रहा है, चल छैया छैया छैया, जो ट्रेन में फिल्माया गया था। सरकार का अमूमन कुछ ऐसा ही हाल है, युवाओं का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश की यदि GDP की बात करें तो 31 अगस्त 2018 को देश की जो GDP थी वो 8.2% थी, जो 31 अगस्त 2020 को जून में 3.1% थी और जून 2020 तक ये GDP -23.9% है। खैर GDP की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि पूरे विश्व की कोरोना की वजह से पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन है, पूरे विश्व की GDP कम है, इसलिए भारत की भी GDP कम है। तो मैं GDP की बात नहीं करूंगा, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर यही कहना चाहूंगा कि युवाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव ना करें, क्योंकि युवा जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वही इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं उनके पास तो बिजनेस है और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई भी ऑप्शन हैं।